यार एक हेल्प चाहिए थी आपकी साइड से। आई नो वीडियो देख के आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, आई प्रॉमिस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पिछले कई दिनों में आप लोगों की साइड से एक रिक्वेस्ट बड़ी आ रही है, और वो ये है कि आई शुड स्टार्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम, आई शुड स्टार्ट माई ओन कोर्स, पेड कोर्स। शुरू में तो मुझे लगा कि यार क्या ज़रूरत है, मतलब मैंने ऑलरेडी इतना कंटेंट डाल रखा है पिछले 2 सालों में, ऑलमोस्ट 1000 वीडियोज़ डाल रखे हैं। तो मेरे दिमाग में तो यही था कि कोई अगर एकदम ऑनेस्टली इन सारे वीडियोस को देख लेगा और पढ़ लेगा तो उसका प्लेसमेंट तो हो जाना चाहिए। मेरे दिमाग में ये था, बट अपेरेंटली आई वॉज रॉन्ग। जब थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा इस तरह के रिक्वेस्ट का, तो मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको मेरे वीडियो समझ में नहीं आ रहे, या फिर मेरा रोड मैप आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा है, क्या रीज़न है कि आपको एक पेड कोर्स करने का मन है या एक मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको चाहिए। अपेरेंटली देर इज़ अ गैप, वो मुझे समझ में आया। गैप ये है कि लोगों को मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, सिर्फ वीडियोस देखने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि लेट्स से आप एक वीडियो देख रहे हो और आपको कोई डाउट आ गया तो किससे जाके पूछोगे आप, ठीक है, वो डाउट रिजॉल्व कैसे होगा। या फिर लेट्स से आपने कोई थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा और अब आपको उसको अप्लाई करना है ऑन अ डेटा सेट, तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो नॉलेज हम ट्रांसफ़र करें। या फिर कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा रेलेवेंट है इंडस्ट्री के हिसाब से, कभी कभी आप मोटिवेशन लूज़ कर जा रहे हो। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई और उन्होंने बोला कि इन शॉर्ट हमें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। और ये रिक्वेस्ट स्पेशली उन लोगों की साइड से ज़्यादा आई जो लोग दूसरे डोमेन से आ रहे हैं और डेटा साइंस में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली नॉन टेक वाले। तो अब थोड़ा सा मेरा काइंड ऑफ आँख खुला और आई कैन अंडरस्टैंड कि ओके देर इज़ अ गैप। मेरे को ये समझ में आया कि इस पॉइंट पे मेरा जो यूट्यूब चैनल है, नो डाउट उस पर सारा कंटेंट, ऑलमोस्ट सारा कंटेंट मैंने डाल रखा है, बट इट इज़ राइट नाउ एक्टिंग एज अ बुक, अ रेफरेंस बुक जो लोग उठा करके पढ़ सकते हैं। बट अगर कुछ भी डाउट आएगा या कुछ भी और परेशानी आएगी तो फिर क्या करना है, ठीक है। तो आई गेस बुक से सिर्फ काम नहीं चलता, अगर सिर्फ बुक से काम चलता तो स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं होते। तो ये एक डाउट क्रिएट हो गया है मेरे मन में अब कि क्या मेरा यूट्यूब चैनल इज सफिशियंट या फिर मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है, लाइक स्टार्टिंग अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो मुझे आपसे दो हेल्प चाहिए। पहला हेल्प मुझे आपसे ये चाहिए, स्पेशली वो लोग जो बहुत दिनों से मेरे चैनल पे हैं और मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो, आप लोगों से मुझे एक ओपिनियन चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि डू यू थिंक आई शुड स्टार्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम जहाँ पर मैं कुछ बच्चों को एनरोल करूँ, उनको लाइव पढ़ाऊँ, उनके डाउट्स रिजॉल्व करूँ और बेसिकली वो पूरा हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करूँ जो किसी मेंटोरशिप प्रोग्राम में किया जाता है, और या फिर मुझे नहीं करना चाहिए, मतलब या फिर आपको ज़रूरत नहीं है और आपको लगता है कि यूट्यूब चैनल इज़ सफिशियंट, जो वीडियोज़ हैं वो सफिशियंट है, सेल्फ स्टडी से आप जॉब निकाल लोगे। तो मुझे आपकी साइड से सबसे पहले कमेंट्स में आंसर चाहिए कि आपको क्या लगता है, डू यू नीड अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फ्रॉम माई साइड और नॉट, ठीक है। अगर चाहिए है तो क्यों चाहिए है, अगर नहीं चाहिए है तो क्यों नहीं चाहिए, प्लीज़ थोड़ा सा डिस्क्राइब करना। आई प्रॉमिस आई विल गो थ्रू ऑल द कमेंट्स और मैं सच में समझना चाहता हूँ सबसे पहले कि शुड आई स्टार्ट और नॉट, ठीक है। सेकेंड हेल्प मुझे ये चाहिए कि अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि हाँ यार एक मेंटोरशिप प्रोग्राम की ज़रूरत है, तो आप मुझे बताओ कि वो मेंटोरशिप प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, ठीक है। लाइव क्लासेस होनी चाहिए, सेल्फ पेस्ड कोर्स होना चाहिए विथ डाउट रिजोल्यूशन, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या टॉपिक के ऊपर पढ़ाना चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, आप मुझे बताओ। कैसे बताओगे, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक कर दिया है, आपको उस फॉर्म पे जाना है, उस फॉर्म को फिल करना है। आई प्रॉमिस मैं सारे के सारे फॉर्म के रिस्पॉन्सेस पढ़ूंगा और उसके बाद आई विल डिसाइड। सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल, अगर आपकी साइड से मुझे लगेगा कि हाँ यार ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि हमें चाहिए एक मेंटोरशिप प्रोग्राम, तो आई विल टेक सम टाइम, प्रोबेबली अ मंथ और टू, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आज बोला कल से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट अ प्रोग्राम एंड होपफुली फ्यूचर में हम लोग कभी इस तरह का कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, प्लीज़
आंसर करके बताओ मुझे कमेंट में, डू यू नीड अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फ्रॉम माई साइड और नॉट, और अगर चाहिए है तो प्लीज़ फॉर्म में डिस्क्राइब करो कि आपका आइडियल मेंटोरशिप प्रोग्राम कैसा होगा, ठीक है? दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।